और इसी के साथ रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दमोह से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताते हैं। आज दमोह भी मतदान है, विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल लोधी और अजय टंडन के बीच मुकाबला है। 359 केंद्रों पर आज वोटिंग होगी, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए दमोह में मतदान शुरू हो चुका है। बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में है मुकाबला। मतदान के लिए 359 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतदान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दमोह से बता रही है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच में मुकाबला है। तो दमोह के दंगल में आज मतदान का दिन है। आज दमोह की जनता तय करेगी किसके हाथ में देनी है दमोह की कमान। तो दमोह उपचुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और जो कि शाम 7 बजे तक चलेगी। वहीं मतदान के लिए 359 केंद्र बनाए गए हैं। इस उपचुनाव में 2,39,808 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। इसमें से 1,15,455 महिलाएं शामिल हैं, तो वहीं 2,647 मतदाता 80 वर्ष की आयु से ज्यादा के हैं, जबकि 1,028 मतदाता दिव्यांग हैं। कोरोना काल में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा सहित 22 उम्मीदवार मैदान में हैं और साथ ही मतदान के दौरान 1,800 और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम अवस्थी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान को लेकर और इस वक्त वहां पर कितने लोग मतदान करना शुरू कर चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं, दमोह विधानसभा क्षेत्र जो कि 55 विधानसभा के अंतर्गत आता है, जो राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई थी, इस पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। हालांकि लोगों का मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया है। अभी मतदान की बात की जाए तो बहुत धीमी गति से मतदान चल रहा है। अब जिस तरीके से सूर्योदय अच्छे से होता जाएगा और सुबह बढ़ती जाएगी तो 8 के बाद लगभग मतदान सक्रिय होने की संभावना बताई जा रही है। जी, अगर वहाँ पे माहौल देखा जाए तो कितने मतलब लोग आ रहे हैं, कोरोना क्या कुछ गाइडलाइंस का वहाँ पे पालन किया जा रहा है? मतदान के माहौल की बात की जाए तो भी लोगों का घर से निकलना शुरू हुआ है, इक्का दुक्का लोग अभी मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है और 2-2 गज की दूरी के अंतर्गत गोले बनाए गए हैं, जिनमें मतदान शांतिपूर्वक तरीके से भी किया जाए और एकदम भीड़ भी इकट्ठा नहीं होने दे रहे। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। जी, धन्यवाद शुभम अवस्थी जी, आप खबर पर नजर बना रखिए, आगे भी आप अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दमोह से, जहाँ पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उनका जायजा अधिकारी ले रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। तो दमोह में शाम 7 बजे तक आज वोटिंग चलेगी और हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह के दंगल में आज फैसले का दिन है, आज मतदाता अपने मत का उपयोग कर दमोह की सत्ता किसके हाथ में देनी है ये तय करेंगे, क्या कुछ कहना? अनन्या, मैं आपको बता दूं कि दमोह के जो उपचुनाव है उसमें जो है 22 प्रत्याशी टोटल मैदान में है, जिसमें अगर इस ध्रुवीकरण को देखा जा रहा है 4 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है और इस टक्कर को देखा जाए तो आखिर दमोह किसका, इसको लेके आज जनता फैसला कर लेगी। इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप आज जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम को 7 बजे तक चलेगा। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होनी थी, वो हुई। उसके बाद मतदान केंद्र जो है 359 बनाए गए हैं। 2,40,000 मतदाता जो है अपने मतदान का आज प्रयोग करेंगे। ये अपने आप में बड़ा दंगल है, चूंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस ने जी जान से प्राण प्रण से जो है प्रचार किया, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल में लगभग 110 जो प्रचार करने पहुंचे थे कांग्रेस के और भाजपा के नेता, वो कोरोना संक्रमित हो गए। खुद अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों के बाद जो है वहां प्रचार का दौर थमने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन कोरोना का संक्रमण देखते हुए
जिस तरह से जिला प्रशासन ने एहतियातन जो बरतना चाहिए वो बरता है, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और इसको देखते हुए जिला प्रशासन की सतत निगरानी है, कैमरों के माध्यम से भी चल रही है, और सुरक्षा के लिहाज से जवान भी वहां तैनात है। अनन्या जी धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दमोह से बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, और ऐसे में लगातार जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब कोरोना